आशीर्वाद, दीपावली, कुछ भी त्योहार सुख शांति से नहीं आता है। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को, और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे है सभी? सभी अच्छे होंगे भगवान की दुआ से। और हम तो अच्छे नहीं है भैया, तबीयत तो ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ये कागज़ फागत लेके दवाई लेने जा रहे हैं माधोपुर। सामने दीपावली कड़ेश फैल गए राजेश जी की हालत ख़राब हो रही बिल्कुल। दीपावली काम में लग रहे थे, बिल्कुल नहाई धोई कुछ भी नहीं करके आए, तो थोड़ी सी ऐसे समस्या आई, तो दवाई गोली लेने जा रहे। और इधर पर राजेश जी नंदी का आनंद ले रहे। नहीं देखो आप बनास का सीन देखो, एक घंटा क्या मस्त सीन आ रहा है बनास का। तो बनास में आके हमने ब्लॉग स्टार्ट किया भाई, घर से नहीं किया, क्योंकि बनास में आप सीन देख सकते हो चारों तरफ से। घर से क्या ब्लॉग स्टार्ट करें, मैं तो अभी 4-5 हज़ार चंदी लगाई गिराई होता, अभी दिमाग ही काम नहीं करता, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है क्या नहीं है, पैर पर पड़ जावे तो नीचे हमें ही क्यों परेशान करता है। देखते हैं अब क्या होता है, डॉक्टर के पास जाके और फिर बताएंगे आपको, देखो जो भी सिचुएशन होगी। तो गाइज अभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तो डॉक्टर साहब आए नहीं, 2 बजे आते हैं। अशोक मीणा के दिखाता हूँ मैं ज़्यादातर, और वो जानकार भी है, अच्छे आदमी है। तो अभी क्या डॉक्टर साहब आएंगे 2 बजे, फिर देखेंगे। वैसे सोनोग्राफी मैंने पहले करवा के तैयार रख रखी है, तो सोनोग्राफी करवा के और ले आया, देख सकते हो अभी सोनोग्राफी करवा के फ्री। तो जैसे डॉक्टर साहब आएंगे तो फिर डॉक्टर साहब को बता के जो भी परेशानी है दवा लिखेंगे, तो बताएंगे आपको क्या सिचुएशन रहती है क्या नहीं रहती है। देख सकते हो गाइस मनीषा के बने ऊपर कमरे में कैसे बिखरा हुआ पड़ा पूरा सामान, देख सकते हो आप। आती नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, डॉक्टर ने मना किया, तो इसलिए ऊपर देख पूरा सामान कैसे बिखरा पड़ा हुआ है ऊपर कमरे में। अब इसको मैं जमाऊंगा आज और फ्रेश करूंगा, और जमा के साफ सफाई करके और फिर दीपावली मनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही कि भाई माधोपुर शॉपिंग करने गए, उसका परिणाम रखा हुआ हमारे सामने। तो कुछ समस्या आ गई थी, वजन भार का काम कर लिया दीपावली की साफ सफाई में, तो पेट एट तरह तरह करने लगा, तो 6,000 की दवाई गोली दी 15 दिन के लिए। तो इसमें तो गोड़ी गोड़ी है, ये पूरी बहुत महंगी महंगी गोड़ी है भाई। और ये इंजेक्शन देखो, इंजेक्शन एक इंजेक्शन 500 रुपये का है, ये देखो 479 की रेट दे रखी। तो क्या करे भाई, 3 इंजेक्शन तो लग चुके और अभी तो 3 बाकी है, 3 तो 2 तो उसी दिन दे दिए माई, और एक कल लगवा लिया और एक 3 और बाकी अभी तक। तो क्या करे भाई, अब की बार तो ये 5 ही आई दीपावली की बार। दीपावली की शॉपिंग करके और घर पहुंच गए, और अब घर पहुंचते ही शॉपिंग करके आए, तो अभी ये मैडम जी को ये लगवाने जा रहे हैं, अभी पुट्ठे पर लगेगा ये, कल की तो अभी तक कल लगे तो सही करना, और अब इंजेक्शन लगेंगे। तो इधर अब जा रहे हैं इसको यहाँ पर इंजेक्शन लगवा के ले गए। इधर देखो हमारे कानू, देखो 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 देखो, देखो, देखो। कानू छी, ये मोटरसाइकिल बैठ जाती, पहले दुकान का नाम लिया पहले मोटरसाइकिल बैठ जाती। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और इंजेक्शन लगवा के और फिर मिलेंगे आपसे। तो भाई दीपावली साफ सफाई में पुताई रह करी, कोई सामान बाहर निकालना, क्योंकि आप समझ सकते हैं दीपावली कितना काम चलता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो दवाई गोली लेके आए 100 दिन 1,000 रुपये की, और 15 दिन के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट दिया है। तो ऊपर चढ़ने की सबकी मना करिए, तो ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ते, 2 दिन हो गए यहाँ ही रसोई में काट ऊँचा रखी है, बिस्तर इस्तर पड़े, और देखो सामान की बिल्कुल बिखरे पड़े हुए एकदम ऊपर से काम आने वाली चीज़ सबको नीचे उतराए, कपड़े लत्ते सब सामान। तो अभी रखूँगी, जमाऊँगी, अभी खाना ना खा पी के दवाई गोली लेके, और अब की बार तो दीपावली कुछ भी त्यौहार सुख शांति से नहीं आता है। काका की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो राजेश जी दो हो गए अभी मेरे को संभालते हैं, कभी काका जी को, इसलिए क्या करे जो भी होता है उससे ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे,
और वीडियो भी टाइम टाइम पे नहीं आ रहे, नहीं क्योंकि टेंशन होने तो बना पाते हैं नहीं क्या, तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे भाई वीडियो टाइम पे नहीं आए, और सोचेंगे हाथ से रेगुलर वीडियो बनाने के लिए। तो अभी भी बोलो राजेश जी बनाएंगे, अब हम तो पड़े हुए तो सोना जी खाना अनार बना रही है अभी, तो देख जाए बेचारी खा रही खाना ना खा पी के जब दवाई गोली लेके जब जा। तो भाई दिवाली की तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी खाना वाना बनाने में लग रहे हैं। इधर हेमा बहन जी खाना बना रही है और इधर ओ हमारी बुढ़िया रोटी खा रही है भाई अम्मा रोटी खा रही है बुढ़िया अब देखना है तो कैमरे के सामने नहीं पीछे से हमारे युद्ध होगा अब बिल्कुल सब कैमरे के सामने है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, पीछे युद्ध करेंगे। आप बुढ़िया कैसे कहा, मैं बुढ़िया दिखती हूँ क्या, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं ऐसी हूँ क्या है। क्या बनाए सब्जी, आलू पालक, क्या बात है। अब इनको बेड रेस्ट कर दिया लेकिन बेड पे नहीं जाती इधर, ये काट पे सोती है अब बेड रेस्ट कहीं का, परेशानियां हैं क्या करें। अब की बार कोई दिवाली में दिवाली नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, हर्ष नहीं है बिल्कुल भी, नहीं पुर तो खैर थोड़े बहुत हो गई पुर। इसके देखो गई साल भी बीमार थी, मतलब दीपावली के दिन भी खाना नहीं खाया था 15 दिन तक, उस वक्त तो बिल्कुल ही हालत खराब थी इसकी। और अब की बार भी खाना तो चलो खा ले, कोई दिक्कत नहीं। और आज अगले वीडियो में जो आएगा वो सब आपके लिए सरप्राइज भी आएगा, लेकिन अगले वीडियो में नहीं, दीपावली के दोज के दिन देंगे, दोज के दिन देंगे हम आपको सब्सक्राइब सरप्राइज, ये बिल्कुल फिक्स सरप्राइज रहेगा आपके लिए। आप भी खुश हो जाओगे देख के, एक खाना खा रहे हैं कुछ चटा चट चटा चट भूख लग रही ठीक है।